क्यों सपा अध्यक्ष को फलांगनी पड़ी दीवार, अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले क्यों एलडीए ने जड़ा ताला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशल। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर बुधवार को लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर जोरदार हंगामा हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर माल्यार्पण करने पहुंचे, लेकिन वहां एलडीए ने जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। गेट बंद होने की वजह से पुलिस की मौजूदगी में भी अखिलेश यादव दीवार फांदकर अंदर चले गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। दरअसल मंगलवार शाम को ही एलडीए ने जेपीएनआईसी के गेट पर ताला लगा दिया था और अखिलेश यादव को उस कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा। अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। अब सवाल यह है कि आखिर एलडीए ने जेपीएनआईसी पर ताला क्यों जड़ा था। उनका कहना है कि एलडीए ने सुरक्षा कारणों के चलते ही अखिलेश यादव को वहां जाने की अनुमति नहीं दी थी। वही उनका कहना यह भी है कि जेपीएनआईसी में साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था जिसकी वजह से ये ताला लगाया गया था। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।